आज हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी मैंगो जैम। आम का जैम बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। आम तो वैसे भी सभी लोगों को बहुत पसंद होता है। हम लोग चाहते हैं कि आम का सीजन कभी नहीं जाए, लेकिन वो एक दो महीने बाद चला ही जाता है। तो आम का सीजन जाने वाला है, इसलिए मैंने सोचा चलो आम का जैम बनाकर ही आम को स्टोर करके रख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ये जैम हमने कैसे तैयार किया है। जैम बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 मीडियम साइज के आम। इस आम का टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा होता है। ये आम की क्या वैरायटी है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आप लोग को पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये किस वैरायटी का आम है। तो सबसे पहले हम आम को छीलेंगे, इसके बाद इसका पल्प निकालेंगे। तो हम आम को छील लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तीनों आमों को छील लिया है, अब इसका हम पल्प निकाल लेते हैं। तो चाकू की हेल्प से इसका सारा पल्प हम निकाल लेंगे। हमने तीनों आमों का पल्प निकाल लिया है। यहाँ पे लगभग हमारा 200 ग्राम पल्प निकला है। तो अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए हमने इसको ग्राइंडर में डाल लिया। अब इसका हम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसमें चीनी कितनी डालें। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो लीजिए पेस्ट तो हमने तैयार कर लिया। अब इसको एक बार छान लेते हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत लम्ब्स या रेसे होंगे तो वो भी इसके निकल जाएंगे। उसके बाद हम पल्प को चीनी के साथ पकाकर जैम तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम छान लेते हैं। हमने सारे पल्प को छान लिया है। हमारे छन्ने में जरा सा कुछ ही रेसे टाइप के बचे हैं, इसको हम फेंक देंगे और हमारा इतना पल्प निकलकर तैयार हुआ है। ये लगभग एक कटोरी के बराबर हमारा पल्प होगा। तो इसी के बराबर हमें चीनी लेना है। जितना हमने पल्प ये निकाला है उतनी मात्रा में हम चीनी डालेंगे। तो चलिए अब इसको पकाकर जैम तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी हमारा ये पल्प है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसको गैस में रखने से पहले ही हम जिस पैन में हमें पकाना है उसी में पलटा लेंगे। सारा पल्प हम इसी में डाल लेंगे और हम उतनी ही इसमें चीनी डाल देंगे। फिर हम दोनों को एक साथ धीमी आंच पर पकाएंगे। ज़रूरत होगा तो हम आंच को तेज भी कर लेंगे। तो चलिए इसको पकाने चलते हैं। गैस को हमने ऑन कर दिया है और अभी फ्लेम को हमने लो पर ही सेट किया हुआ है। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चीनी मेल्ट हो जाएगी तब हम गैस को हाई भी कर सकते हैं। तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। इसको हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। जब ये काफ़ी गाढ़ा होने लगेगा तो फिर से हम फ्लेम को एकदम लो पर सेट कर देंगे, वरना क्या होगा नीचे से हमारा जैम चिपक सकता है। इसी समय हम इसमें ये आधा नींबू भी निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जैम की जो खटास होती है वो बैलेंस हो जाएगी। हमने इसमें नींबू निचोड़ दिया है, इसको हम लगातार चलाते रहेंगे।
फ्रेंड्स, बच्चों को जैम बहुत पसंद होता है, तो आम के सीजन में ज़रूर हम लोग को एक बार जैम बना लेना चाहिए, क्योंकि जैम को हम रोटी पराठा किसी के भी साथ खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। जैम पकते पकते काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जैम बहुत ही जल्दी पक जाता है। इसको अभी हमने 4 से 5 मिनट ही पकाया होगा और ये पक चुका है। बीच में मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जैम हमारा पक चुका है? तो क्या करेंगे हम लोग, इसकी कुछ बूंदे लेके एक प्लेट पर हम डाल लेंगे इस तरीके से। अब उसको ठंडा करके हम ऐसे गिरा के देखेंगे, अगर वो नहीं गिर रहा है, नहीं बह रहा है, तो समझेंगे कि हमारा जैम पक चुका है। तो हम इसको ठंडा करते हैं, जब तक हम गैस को एकदम स्लो पर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अपनी जगह से नीचे को नहीं गिर रहा है, तो बस इतना ही समझ लीजिए कि बस हमारा जैम परफेक्ट पक चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ठंडा होने के बाद इसको एक कांच के जार में भरकर रख लेंगे। तो गैस को हमने ऑफ कर दिया है, जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, तब हम इसको कांच के जार में भरकर रख लेंगे। फिर आप इसको ब्रेड, पूड़ी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को तो इतना पसंद होता है कि वो चम्मच में लेकर यूं ही खाते रहते हैं। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी जैम बनकर तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो मैं आपको एक रोटी में जैम लगाकर दिखा रही हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है। आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं, वो रोटी खाने से बहुत दूर भागते हैं, वो रोटी खाना बिल्कुल नहीं चाहते। अगर आप उनको ये मैंगो जैम लगाकर रोटी देंगे, तो वो बहुत ही चाव से रोटी खाने लगेंगे और इस तरह से उनकी रोटी खाने की हैबिट भी हो जाएगी। तो आप उनको नाश्ते में, लंच में, डिनर में ये जैम के साथ रोटी ज़रूर दीजिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से रोटी में चारों तरफ अच्छे से जैम लगाइए और उसको रोल बना दीजिए। इस तरह से फोल्ड करते हुए उसका रोल बना दीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से बच्चे और बड़े सभी लोग इस जैम को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आम का सीजन जाने वाला है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी मैंगो को, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपका जैम कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए, हमारा जैम और जैम रोल दोनों तैयार हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।